हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सजदा और आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने हाथों को जवां बनाए रख सकते हैं। हाथों की ड्राइनेस और रिंकल्स आपको अगर उम्र से पहले होने लगे तो यह यकीनन बहुत ख़राब लगते हैं। ये देखने पर ऐसा लगता है कि आपकी उम्र बढ़ रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हाथों की स्किन पर ध्यान ना दिया जाए तो ये उन कुछ अंगों में से एक है जिनमें बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ने लगती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम अपने हाथों को बार बार पानी, साबुन आदि से धोते हैं और ऐसे में हाथों की स्किन पर असर पड़ता है। सैनिटाइजर का असर भी काफ़ी है जो हाथों पर झुर्रियों को पैदा कर सकता है। कुछ गलतियों से हाथों पर जल्दी झुर्रियाँ पड़ती हैं, जैसे अगर आप अपने हाथों को सही तरीके से हाइड्रेट ना करें तो, अगर आप खुद हाइड्रेटिंग और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर डाइट ना लें तो, अगर हाथों को एक्सफोलिएट कर डेड स्किन को निकाला ना जाए तो। स्मोकिंग करने वालों के हाथ भी ऐसे ही रिंकल्स वाले हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हाथों की स्किन को उम्रदराज बनाती हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों का ख्याल रखें। मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। आपको ताज़ा एलोवेरा जेल लेना है। आप एलोवेरा की पत्ती तोड़कर इसके कांटे निकाल लें और उसके बाद पत्तियों को बीच में से काट लें। जेल वाले साइड में थोड़ा सा चावल का आटा छिड़क दीजिए। अब आपको ये स्क्रब अपने हाथों पर लगाना है। अगर आपके पास ताज़ा एलोवेरा जेल नहीं है तो आप बाजार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा जेल ज़्यादा अच्छा होता है। दोनों हाथों पर अच्छे से इसे लगा कर अपने हाथों को धो लें। अब आपको दूसरी रेमेडी करनी होगी। सबसे पहले 2 चम्मच नारियल का तेल लें। अगर ये वर्जिन या कोल्ड प्रेस नारियल का तेल है तो ये ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको दो विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं। बस यही आसान काम आपके हाथों को जवां बनाने के लिए काफ़ी है। आपको इसी तेल से दिन में 2 बार अपने हाथों की अच्छे से मसाज करनी है। इसे उंगलियों के बीच, नाखूनों पर, आगे पीछे हर जगह लगाएं। ये छोटी सी होम रेमेडी आपके बहुत काम आ सकती है क्योंकि यह हाथों को बहुत हाइड्रेट रखेगी और साथ ही उन पर झुर्रियाँ पड़ने से भी रोकेंगी। इसके अलावा स्किन पर हैंड क्रीम आदि भी लगाते रहें क्योंकि आजकल हाथों की स्किन ज़्यादा रुखी हो रही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय फ्रेंड्स।